अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, कैसे आप सभी लोग भाई जान लेके आ चुके हैं फिर से अपने एक ब्रांड न्यू व्लॉग। आप लोग सोच रहे हो कि भाई हर व्लॉग में यही सेंडो बन रहता है स्टार्ट में, क्या करें यार कराची में है इतनी गर्मी में, अलग अरे बस तेज़ बारिश हो जाए लेकिन रहमत वाली, ठीक है। और फिलहाल भाई जान आपके भाई ने जो है ना अभी बस सारी चीज़ें करके अभी फायरिंग हुआ है, मैंने बस अभी बुक्स रखी है, मैंने कहा कि फटाफट से व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी खाना पीना भी हम लोगों ने कर लिया है, नाश्ता वगैरह भी हम लोगों ने जो है भाई वो कर लिया है यार। बाकी फ़िलहाल सीन ऐसा है भाई, अभी जो है ना मुझे लगाने हैं भाई जान पौधे, वो किस में कल भाई ये ना पूरा किनारे विनारे में ना इसके ना अजीब सा हो रहा था। फिलहाल दूसरा मैंने जो है ना इसको थोड़ा सा इसके अंदर की सारी जड़ें वगैरह निकाली, दूसरे पौधे की वो पूरा सूखा हुआ था, उसकी जड़ें वगैरह निकाली और मिट्टी को थोड़ा सा ना मैंने सही किया, ठीक है। अब बाकी इसका तो पता नहीं है निकले ना निकले, अगर नहीं थोड़ा हरा है ना इसलिए मैंने इसको जो है ना वो छोड़ दिया, ठीक है। बाकी आज का हम लोग का टास्क ये है, हम लोग को क्या करना है, हमें जो है ना लगाना है इसमें भाई जान एक तो आम का पौधा और एक लगाना है हम लोग को पतली हरी मिर्चों का, ठीक है। आपके भाई की तरह पतली हरी मिर्चों का लगाना है हम लोग का भाई जान पौधा। तो पतली हरी मिर्च को शायद अभी पॉसिबल ना हो पाए, अगर पॉसिबल हुआ तो लगा लूँगा क्योंकि सर अभी नहीं आए, 4:30 हो रहे हैं, सर का टाइम तो हो चुका है, ऐसा ना मैं लगाने बैठूँ और सर आ जाए, तो इसलिए फटाफट चलते हैं और लगाते हैं क्योंकि अब आपका भाई हर काम से फारिग हो गया। सोचा बता ही दूँ कि कैसे लगाते हैं आम का पौधा, अभी चिपकली इसके पास और खाना भी इधर ही है, तो फिलहाल सारे काम भी आपके भाई ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वही मम्मी से पूछते हैं भाई किधर है वो वाली गुटली, ताकि हम लोग फिर आम का पौधा लगते हैं। येरी गुटली, ठीक है, उसको फटाफट धोते हैं फिर इसको अब काट दूंगा ना मैं, तो उसको इधर साइड से काटना होता है, इसके अंदर की जो सीड होती है ना वो निकाल के लगानी होती है हम लोग को, तो ठीक है। सब कुछ करता हूँ फिर आप लोग से मिलता हूँ। चलो भाई कपड़े सब कुछ चेंज हो गया यार, छक्का कसम खुदा कि मैं घर में अजाब बना के रखा हुआ है। छक्का जी भाई अभी आया सर से पढ़ के, सर आ गए थे एक्चुअली, सर से पढ़ के आया है छक्का जी, बस पे और हमारा तो थोड़ा सा मेरे हालात में भी चला गया, मुझे पता था ना सर आ जाएंगे, इसलिए मैंने पता था सर आ जाएंगे, मैं गुटली खोली है बस और सर आ गए। चलो अब लगाते हैं हम लोग अपनी आम की गुटली। आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है, हाँ सही पहचाना जिन लोगों ने पहचान लिया, हाँ ये है आम के गुटली के अंदर जो चीज़ होती है वो है, सही है ये वो है। तो फटाफट चलो इसको लगाते हैं हम लोग अपने पौधों में फटाफट, बस बस अल्लाह करे बस मैं सही से अच्छी ग्रोथ हो जाए आम की। शुरू कर देते हैं भाई, इसको इधर रखो, ठीक है। चलो भाई शुरू हो जाओ, हाँ तो जल्दी होने वाले हैं हमारे फुल। चलो भाई जाओ, अच्छे अच्छे में फल दे देना, ऐसे रखते हैं मेरे ख्याल से इसको, ऐसे यहाँ से इसका पौधा निकलता है मेरे ख्याल से। चलो भाई चलो, अच्छे अच्छे पौधे दे देना हमें, अब बस ऐसे थोड़े से मिर्चे लगाते हैं, ठीक है, और फिर जो है ना इसमें हम लोग बस पानी छानी डाल देंगे। भाई क्या मसला है, ऐसे कोई लाइट का तो ताल्लुक नहीं था भाई, लेकिन लाइट हम लोग की जा चुकी है। और ये चेक करो भाई, ये सीट दिख रहे हैं कुछ,
कुछ काले कुछ सफ़ेद, ये है भाई सीड मिर्चों के अंदर वाले। फाइनली मैंने काटने वाली एक मिर्च आप लोगों को नज़र आ रही होगी वो साबुत है, वो इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि अगर सीड से निकला तो क्या होता है मिर्च से निकल जाएगी। तो इन सबको डालते हैं फटाफट। आ जाओ, मेरे जनरेटर चल रहा है, अगर जनरेटर चल रहा है ना तो आप लोग को थोड़ा शोर से समझ में नहीं आएगा, शोर आएगा मतलब, ठीक है। तो बाकी ये देखो, चलो भाई डालते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट, इन सब में हम लोग पानी डाल देंगे। भाई जान ने जो है ना भाई वो डाल दिए मिर्चें भी, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह बस वेट है, लेकिन पानी तो डाला ही नहीं, तो पानी डालते हैं बस। चलो इसके अंदर ही खाली प्लेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, उसमें डाल देते हैं, बॉल वाले पानी नहीं जाए। तो चलो 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 चक्कर के, हमें चक्कर काटने पड़ेंगे। बस और पानी चाहिए होगा। चलो भाई भरो फटाफट फटाफट फटाफट। चलो ओह गिर रहा गिर रहा। चलो भाई वैसे यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो जाके जाता हूँ गिलास में पानी भरता हूँ, सीधा लगा के डाल देता हूँ, आ जाएगा ये। अब ज़्यादा आ गया ना पानी, बस हमें खाली एक और चक्कर काटना पड़ेगा फिर बस कंप्लीट। तो पूरा कवर हो चुकी है मिट्टी, ठीक है, गिलास भी खाली हो चुका है। चलते हैं अंदर और नीचे को सीधा नीचे चलते हैं, नहीं तो भाई जान आज की शाम भी ऊपर। भाई जान मगरब की नमाज में हो जाए वो पढ़ लिया है, और अब बारी है भाई किसकी, अब है बारी दावत में जाने की। तो फटाफट चलते हैं, ठीक है, और नहाते धोते हैं, कपड़े डालते हैं, बाल छल बनाते हैं, तैयार होते हैं और फिर चलते हैं घर। असल में हमारी जिस घर में दावत है ना वो पप्पू का घर करीब ही है, ठीक है, तो हमारा टाइम नहीं लेगा, छुट्टी वजह के बाद हम लोग जो है वो पहुँच जाएंगे। तैयार हो चुका है, देख सकते हो गोरा चिट्टा हो चुका है, टाइम नहीं है इसलिए फटाफट चलते हैं भाई जान हम लोग नीचे। तो चलो भाई जान दरवाज़ा बंद करो फटाफट, लेट हो जाए इसके पहले, ऑलरेडी 9:30 बल्कि नहीं 10 बज चुके हैं। चलो भाई चलो चलते हैं नीचे। था शादी हॉल में, और ये शादी हॉल में था, मुझे खुद रास्ते में पता चला है। तो शादी हॉल है जैसे खाना लगता है तब बताते हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। भाई भाई ओए ओए फुल गरम गरम हलीम, हलीम से हाथ मार लो, हलीम आ गया भाई वीआईपी। जगह ही नहीं मिली खाने की, घर भी हमारा दावत भी हमारी खाना हमारा नहीं, तो फुल रश लगा हुआ है। अब तो देखते हैं हमारा ये चैलेंज हम लोग निकाल पाते हैं या नहीं। भाई बाकी सारे लाइन में लगे हैं, इनको मिल ही नहीं रही भाई आज की मिली, क्या करें। महफिल लूट ली भाई हमारा दूसरी प्लेट है, अजवा 3 हम लोग के पीस। तो अब्दुल राफेल लोग तो भाई वहाँ चेक करो उसको, देखो लाइनों में लगे हुए वो, और अब्दुल राफेल लाइन में लगा हुआ है वो, बिल्लू वो रहा अब्दुल राफेल उसके बराबर में ग्रीन वाला। भाई यहाँ पे पीछे हटे रहना तो काम हो जाएगा। द हॉल इज़ अबाउट टू एंड, समझो ज़्यादातर लोग जो है ना वो चले गए हैं, सिर्फ चंद लोग रहते हैं, देख सकते हो मेरे बेड पे भी ऑलमोस्ट देखो साइड पूरी खाली हो चुकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोग जा चुके हैं, ठीक है, अब हम लोग बस निकलने ही करते हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग जो है ना सो निकलते हैं, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट घर जाएंगे आराम आराम से, ए सी वगैरह खोलेंगे और फिर आराम से कम्बल उड़ के सो जाएंगे। भाई हम लोग शादी से ओके, शादी नहीं थी मेरे, क्यों शादी निकलता है मेरे मुंह से, उस वक्त भी जब हज की दावत थी तब भी जो है शादी निकला था, अब भी जब हज की दावत थी तो भी शादी निकल गया। तो भाई जान ये हम लोग की जो है ना प्रॉब्लम चल रही है। तो उम्मीद है आप लोग ब्लॉग पसंद आया होगा। फ्लॉग एंड करने का टाइम आ गए हैं ना, इस वक्त बज रहे हैं भाई जान हम लोग के 1:30 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट फारिग हुए हैं, खैर कोई नहीं, इसी शीशी खोला थोड़ा कूलम कूल हुए हैं, ठीक है, तभी सुकून मिलेगा है। तो उम्मीद है आप लोग बिल्लो पसंद आया होगा। बाकी यार शादी फिर हज की दावत में भाई जान आइसक्रीम है तो भाई तबाही मचा दी, आइसक्रीम क्या थी, सब लोग टूट पड़े उस पर भाई, मैंने खुद मैं घुसा 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 ये भाई ऐसे पीछे हट गया तो काम हो जाता हमारा। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा, अगर पसंद आया आपको लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए जा दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।